जब लड़की का जन्म होता है तब से माँ बाप शादी की तैयारी करने लगता है, एक एक चीज़ जोड़ता है कि हमको बेटी का शादी करना है, क्या देंगे, कैसे घर में शादी करेंगे, उसका पति कैसा होना चाहिए, सारा चीज़ सोच करके लोग अपनी बेटी का शादी करता है। लेकिन जब बेटी की शादी करने के कुछ ही दिनों बाद पता चले कि उसका पति नशा करके मारता है, गाली देता है, परेशान करता है, सही से रहने नहीं देता है, तो उस माँ बाप उस भाई बहन के दिलों पर कैसा बीतता होगा सो आप सब समझते हैं। क्योंकि हर घर में बेटी है, शायद ही कोई ऐसा बदनसीब परिवार होगा जिसके घर में बेटियां नहीं होगी। ऐसा एक परिवार है, एक जो है भाई है अपनी बहन के तकलीफ से जूझ रहा है क्योंकि 10 साल पहले अपनी बहन का शादी किया, किसी तरह 10 साल बीता, एक बेटा हुआ, बेटी हुई, पति से तंग आकर पत्नी पति को छोड़कर अलग रह रही है और भाई सहयोग भी कर रहा है। पूरा मामला एक बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? राजू। आपकी बहन का शादी 10 साल पहले हुआ, 12 साल हो गया। आप क्यों बहन के ससुराल से उसको अलग करना चाहते हैं? मारपीट किया इसके लिए। अच्छा, कितना दफा मारपीट किया? ये लेके 4-5 बार हो गया। तो परिवार में तो झगड़ा मारपीट होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको ससुराल से निकाल दिया जाए? मारपीट होता है, थोड़ा बहुत तो सब मारता है। अच्छा। मुझे 4 बार ये खूब मार मार के भेजा गांव में, यहाँ घर आके गाली देता था लड़का। हाँ। पीता खाता है, प्लस खर्चा नहीं देता है जल्दी। उसका मम्मी कहता है कि खर्चा देता है, उसके अकाउंट में भेजता तो उसको मम्मी के निकाल के देता था। लड़की को क्या दे रहा है? लड़की को बच्चा का तबियत खराब होता है, उसका एक एक दिन का इलाज 5-5 हज़ार का है लड़की का, उसका छोटी वाली लड़की का। इसके एक बेटा है एक बेटी है। हाँ। तो बेटी को ऐसा क्या बीमारी है जो एक दिन का इलाज का 5 हज़ार? उसका सांस का प्रॉब्लम है। तो आपका जो जीजा है सो आपकी बहन को पैसा नहीं देता है? नहीं, पहले भेजता था, जैसे साल भर शादी का हुआ था तो भेजता था, उसके बाद से इसको गांव में अब क्या हुआ नहीं हुआ तो चरा बरा गया, उससे मेरे को मतलब नहीं है। उसके बाद ये खूब पीने लगा, पी के आता था, गाली देता था, मारता था। 4 बार भेजा, 4 बार मैंने समाज से बोला कि जाने दो राजू, ये चलो कोई बात नहीं, एक बार और देखो तराई मार के। मैंने 4 बार भेजा, 4ों बार ऐसी कर करके भेजा, एमकी फिर मार के भेजा। तो एमकी हमने सोचा कि जाना ही नहीं देना, फैसला में कि गया पंचायत पी के आया था, ठीक है, पूरा पंचायत के बीच में। इसने लगा सबको उल्टा पुंडा बोलने, ये करेंगे वो करेंगे। जब इसने हम फैसला करने के लिए गए तो चलो समाज बोला 2 महीना चांस देते हैं, तो फिर पी के आया। इसके बाद हमने सोचे कि आप लड़की को नहीं जाने देना, लड़की साफ जवाब दे रही कि हम उसके पास नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मैं उसके पास नहीं जाएंगे। आप तो पंच में क्या फैसला हुआ? फैसला ही हुआ, पंच बोला कि आप लड़की जा सकता है, लड़की अगर चाहेगा जब तो, अगर लड़का के ऊपर जाना तो जा सकता है, नहीं तो लड़का अगर नहीं सुधरा तो इसी रहेगा। तो आपकी बहन अभी है कहाँ? हम बहन को बाहर भेज दिए। लेकिन उसके पति का आरोप है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। पूछिए जो बोल रहा है, उसको कहिए पकड़ के लाने के लिए, हमारे साथ गया ना। आ रहा है कि मायके में नहीं है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चों को लेकर किसी के साथ भाग गई है। किसी को कैसे लेके भागा? जब भागा तो चलो हमारे साथ, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ लड़की रहता है, वहाँ तो प्रूफ मान लेगा ना कि हाँ किसी के साथ रह रहा था। कहाँ है आपकी बहन? हमारा बहन लुधियाना में, अम्बाला में। किसके साथ है? वहाँ पे मेरा भाई है, भौजाई है, बहन है, सारा फैमिली वही रहता है, वही वो चली गई। हाँ वही गए, वही रहती है। हाँ अभी हम भी जाएंगे, हम थोड़ा काम के लिए रुक गए घर बनाने के लिए। तो क्या बहन को ससुराल नहीं भेजना है? नहीं। बच्चे का क्या होगा? बच्चा जब जो अपना पढ़ रहा है अभी, जब अपने पैर पे आएगा तो अगर बाप के पास जाना चाहेगा तो बाप के पास भेजेंगे, नहीं जाना चाहेगा तो उसको भी रखेंगे मम्मी के पास। आपकी शादी हुई है? हाँ हमारा शादी हुआ है। आपकी पत्नी आपकी बहन को क्या जीवन भर यहाँ रखने के बात कहेगी कि हाँ जिम्मेदारी लेगी रखने के लिए? काहे नहीं रख सकते हैं, जब हम रखेंगे तो पत्नी क्यों नहीं रख सकते हैं? नहीं कहेगी कि ससुराल क्यों नहीं रहती है? वो नहीं हो सकता, हम जब अकेला है, हमारा इतना जमीन है, हम जब रखेंगे तो क्यों नहीं रह सकते हैं? इंसान क्या अपने बहन को मार के बिलका थोड़ी नहीं देता है, जब बचपन से पाला है बाप माँ, जब उसका ही जमीन जाता है, वो रखना चाहेगा तो क्यों नहीं रखेंगे हम? आगे तो उसका बाल बच्चा जवान होगा, बेटा है जवान होगा, वो अपना सोचेगा फिर, वो तो जरूरी कमाने लगेगा तो कोई भी अपना जमीन जाता देखता है। बिल्कुल। अगर उसका पति सुधर जाए तो क्या आप जाने दीजिएगा? अब वो तो सुधरेगा नहीं, तो हम चांस लिख के देते हैं, सुधरेगा नहीं, आप तो ऐसे जाने नहीं है देंगे हम, क्योंकि जैसा ये काम कर चुका, कभी हम थाना पे नहीं गए थे, हमारे पास केस कर दिया। जो हमारा बताइए, इतना उम्र हो गया अभी तक हम थाना पे नहीं गए, नहीं कहूँ गए, हम लोगों पर केस कर दिया। मतलब क्या केस किया था? केस हमारे भाई से लपड़ा किया था, ठीक है, कि हमारे पुतों को ले गया लाया क्यों नहीं। उसके आपकी बहन का ससुर? हाँ नहीं सास। अच्छा। उसका घर वाला कहीं फोन करके पूछा नहीं कि हाँ हमारा घर वाली कहाँ है? मेरे पास फोन करता था पी के रोज, खाली गाली देता था, ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हारे घर वाली को उठा लूंगा, तो ये करूंगा, आऊंगा तो मारूंगा पीटूंगा, यही बंगस हमसे करता था फोन पे। किसी और से चक्कर चलता है क्या?
मालूम है वो तो जाने बंबई में तो उसका पूरा नाम खराब है कि लड़की के लेके आता है, लड़की से बात करता है, ऑफिस में जाता है तो मारता है। जैसे डालपुट का काम करता है ना, वही ऑफिस में लेके जाता है लड़की के रूम में तो कान मारता है। ये तो लड़की भी बता चुके हो सरपंच के सामने। अच्छा, ये लड़का सही नहीं है, लड़का जिसको पाता है उसको गाली देता है, पी खा के आता है, वहाँ भी पी खा के आता तो कंपनी वाला बिलगा देता है। तो इसका कंपनी तो मानो महीने में इसका कंपनी बदलता ही रहता है। डालवुड का कंपनी काम करता है, महीने में इसका चारों कंपनी बदलते रहता है। कहता है मैं कभी ये कंपनी खोला वो कंपनी। ये बंदा 22,000 का महीना कमाएगा, घर वाली को पैसा नहीं देगा, 22,000 करता है क्या? हम तो उससे कम कमाते हैं, हम भी 10-12-15,000-20,000 कमाते हैं, फिर भी हम परिवार को देते कि नहीं, परिवार को देखते कि नहीं देखते? वो तो वो भी नहीं देखता है ना। जब चार बार चांस दिए उसको सुधरना चाहिए था ना। आप लास्ट चांस है, मैं खुद ही बोल दिया हूँ कि आप लड़की नहीं जाएगा। कहाँ शादी किए थे? दसना, रामपुर दसना, मुजफ्फरपुर में ही है। हाँ, यही मुजफ्फरपुर में है। उसके ससुराल वाले सहयोग कर रहे हैं या नहीं? उसका सिर्फ मम्मी कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। लड़का की माँ चाहती है कि बहू आवे? हाँ, वो तो शुरू से वो इसी है, वो कभी कहता चाहे तो चाहे करता कि आवे। अच्छा, उसको करो बेटा शादी, दूसरा शादी होगा ही नहीं तो उसको करेगा ही। जैसे आपने एक वीडियो में कहा है कि मेरे जीजा को बिगाड़ने में उसकी माँ का ही हाँ है, क्योंकि कोई भी बाप माँ बेटा को नहीं चढ़ाएगा तो बेटा की हिम्मत नहीं है बाप माँ से ऊपर चल जाए। पीता खाता अगर बाप माँ मेरे, मैं भी हूँ, मेरा मम्मी बोलेगा तो मैं कैसे पी खाऊंगा, कैसे मारूंगा घर वाली को? गार्जियन भी तो होता है, गार्जियन अगर मना करेगा कि बेटा नहीं पियो तो कैसे पी लेगा? गार्जियन माँ की बात मानते हैं? वो मानते हैं। माँ कहती है वहाँ नहीं जाओ तो नहीं जाते हैं, नहीं खाओ तो नहीं खाते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है, जो गार्जियन जब अगर काम का चीज समझाएगा वही समझा जाएगा ना। अगर कहेगा खाने या नहीं खाने का तो मामला अपना ऊपर हो जाता है। मत पैसे कौड़ी जैसे लड़की को मारना है ये गार्जियन के ऊपर है, कैसे चलना है पुतों को समझाएगा वो, हमको समझाएगा वो, गार्जियन है वो। ये जो क्यों आपकी बहन को मारता है, कहीं दहेज वहेज की मांग तो नहीं करता है? दहेज की मांग क्या करेगा, उसको तो दहेज से हम सब कुछ दिए, कुछ दहेज के लेके नहीं हो रहा, बस पीता खाता है इसके लिए मारता है। या इस छोरा से वो चढ़ाला पे गांव में कहता लड़की भाग गया, चलो लड़की भाग गया तो लड़की जहाँ पर मेरे साथ गया हुआ वहाँ पे चलिए, लड़की अगर नहीं भागा हुआ तो वो क्या करेगा? फिर वो जब बात देगा लड़की मेरे पास था, मेरे साथ खड्डे हुआ है वहाँ पे चलिए, जितना सरदार भाई जितना आदमी है वो बताएगा ना लड़की यहाँ पे रूम मालिक है जहाँ रहते हैं, वो भी बताएगा कि लड़की कहाँ था। अगर बोल देगा लड़की भागा हुआ है तो आप जहाँ बोलिए वहाँ हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये क्या नाम है आपका? राजू। ये लड़की का भाई है और इसका जीजा ही कहते हैं कि इसकी बहन के बारे में कि मेरी पत्नी किसी और के साथ, मेरे दो बच्चों के साथ भाग गई है। लेकिन यहाँ पहुँचने पर कुछ और ही मामला पता चलता है कि पति से तंग आकर महिला मायके में रह रही थी तो भाई लुधियाना रहता है, अपनी बहन को वहीं ले जा करके रखे हुआ है, वहीं वो कमाती है, अपने दो बच्चों को पालती है।